तो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो दोस्तों। आज सामने खड़ी हुई है वैगनार VXi और इस हाथ पे वैगनार LXi खड़ी है। आज वीडियो बनाएंगे हम इस पे। अगर बात कर लीजिए वैगनार की आगे से लुक से, ये VXi वाला मॉडल जो खड़ा जो टॉप से एक नीचा होता है या कह लो बेस से एक ऊपर, सामने से देखने पर आपको कुछ ऐसा क्रोम का मिल जाता है पूरा डिज़ाइन। लेकिन सुजुकी का लोगो आपने कंपनी देती है। और हेडलाइट की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल सी हेडलाइट है, कोई मतलब बेसिक सी हेडलाइट जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसी हेडलाइट है। कोई भी फॉग लैंप इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अगर एसेसरीज के तौर पर बात करी जाए तो आप अपने फॉग लैंप वहाँ से ले सकते हैं। अगर बात करी जाए इसके साइड लुक से, साइड लुक में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, साइड लुक से कुछ ऐसा आपको गाड़ी का लुक देखने को मिलेगा। और बात करी जाए नीचे से इसके व्हील की, तो व्हील में इसमें आपको कोई भी कवर देखने को नहीं मिलेगा। कहीं आप सोचो कि इसमें आपको व्हील कवर कंपनी से देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 14 इंच के इसमें आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। और साइड से अगर बात करी जाए तो ORVM इसमें आपको बॉडी कलर मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और अब बेस मॉडल की बात करी जाए, देखो बेस मॉडल में कलर बॉडी कलर नहीं है, वहाँ पर काला रंग का दिया हुआ है। अगर बात करी जाए साइड से, तो साइड से उसमें जो डोर हैंडल है, जो ग्रैब हैंडल डोर वाले जिनसे डोर खोलते हो आप, वो भी आपको बॉडी कलर मिलने वाले हैं। दूसरे हाथ पर अगर आप बात करोगे कि जो बेस मॉडल में है, तो बेस मॉडल में आपको देखने को मिल जाते हैं बॉडी कलर नहीं, यहाँ पे काले रंग के आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी पीछे से, तो पीछे से कैसी थोड़ी बहुत गाड़ी दिखती है, पीछे से कोई नॉर्मल सी बेसिक सी गाड़ी है, कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसमें फीचर आपको देते नहीं, क्योंकि वैगनार एक नॉर्मल फैमिली कार है। अगर पीछे से बात करी जाए तो एक बड़ी सी हेडलाइट है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक आई है। बेसिक सा काम है इसका, जो मतलब जलना मलना और ज़्यादा कोई LED इसमें दी नहीं है। पीछे से अगर बात करी जाए क्रोम की, तो क्रोम की बहुत बड़ी सी यहाँ पर स्ट्रिप दी है, जहाँ पर आपको वैगनार बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा। सुजुकी का एक लोगो बड़ा सा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको दूसरे हाथ पे भी एक बड़ा सी लाइट वहीं पर देखने को मिलेगी। बात करी जाए पीछे सेंसर्स की, तो आपको दो सेंसर नीचे प्रोवाइड कराए गए हैं, एक सेंसर यहाँ पे और एक सेंसर इसका नीचे देखने को मिलेगा। और रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरे हाथ पर अगर बात करी जाए बेस मॉडल में, बेस मॉडल में बिल्कुल सेम ऐसा ही नीचे तक देखने को मिलेगा। बट अगर बात करी जाए इस साइड से, तो इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा वही सारा सेम, यहाँ से क्लाइडिंग गई है ना पूरी, ये पूरी क्लाइडिंग आपको ऑल ओवर एंड तक यहाँ पे मिलेगी, प्लस साथ में यहाँ पे चलने लग जाएगी पूरी की पूरी। और अगर मैं बात करूँ कि गाड़ी की अंदर से क्या क्या फीचर हम आपको देखने को इस गाड़ी में मिलेंगे, तो आज मैं बात करूँगा अंदर चल के। जब आप इस गाड़ी का डोर खोलोगे, तो डोर खोलते ही आपको कुछ ऐसे कंट्रोल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। और ब्लैक इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर पावर विंडो दी गई है चार, ये VXi मॉडल आपका सामने खड़ा, तो चार पावर विंडो आपको उसमें देखने को मिलती है। LXi जो बेस लोगो उसमें केवल दो मिलेंगी। साथ ही साथ में आप जो अपना भार वाला शीशा है, जिसे ORVM बोलते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो ऑटोमेटिकली। साथ ही साथ ये यहाँ पर बटन दिया हो, जिससे आप अपने डोरों को लॉक कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो। ये विंडो लॉकर है, जिससे आपकी विंडो लॉक हो जाती है। इंटीरियर की अगर बात करी जाए, तो एक बेसिक सा इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा एक स्टीयरिंग देखने को दिया है, कोई भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते हैं। सुजुकी का एक लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ दिखता है आपको मीटर। और इधर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर ली जाए, तो एक बेसिक सा छोटा सा यूनिट आपको देखने को मिल जाता है। और आपको बेस मॉडल में ये यूनिट देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको केवल VXi में देखने को मिलता है। नीचे गियर नॉब की बात करी जाए, तो 5-speed इसमें गियर मिल जाता है। और AC के कंट्रोल सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक AC नहीं है, ये सारे मैनुअल AC आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक यहाँ पे लगा आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे जो टिप है ना, ये क्रोम की मिलेगी आपको VXi में, वहाँ पे आपको LXi में ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। बात करी जाए पीछे से बाद में बात करेंगे। बात करी जाए इसकी इधर से आपको यहाँ पे एक एयर बैग देखने को मिल जाएगा। और इधर जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के, इधर जो इसका ग्लोब बॉक्स है, कुछ ऐसा आपको ग्लोब बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब थोड़ी डिसेंट सी स्पेस है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, आप छोटी मोटी चीज़ इसमें आप रख सकते हो। डोर की बात करी जाए, तो इसमें आप 1 लीटर की तो बोतल आराम से यहाँ पर रख सकते हो आसानी से, कुछ मतलब थोड़े बहुत मैगजीन आप यहाँ पर आराम से रख सकते हो। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, तो इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग काफ़ी नरम सा है, और ज़्यादा मतलब कोई हार्ड प्लास्टिक का यूज़ नहीं करा है। प्लास्टिक भी काफ़ी मतलब अच्छी साइज, मतलब अच्छी क्वालिटी की मेरे हिसाब से बनाई है। दो और ये बात कर लीजिए, यहाँ पे सनसीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे स्ट्रिप्स ही दी है, जिसमें आप अपनी छोटे मोटे टूल की टिकट विकेट फंसा सकते हो। लाइट की अगर बात करी जाए, तो लाइट की प्लेसमेंट आपको इधर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक हैलोजन प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर बात करी जाए इसकी IRVM की, तो IRVM इसमें नॉर्मल सा देखने को मिलेगा। बटन इसमें एक यहाँ पर दिया गया, जिससे आप अपना इसको सेट कर सकते हो। उस वाली गाड़ी में आपको बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं दिया, वो बिल्कुल बेसिक दिया उसमें देखने को। अगर बात करी जाए आगे से, तो आगे बिल्कुल यहाँ पे मतलब जो इसकी क्वालिटी है ना, वो अच्छी खासी क्वालिटी है। कोई मतलब बहुत जो होता है ना, जैसे साउंड जो करता है जो हार्ड प्लास्टिक होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छी आपको देखने को यहाँ पे प्लास्टिक मिलने वाली है। पीछे से अगर बात करी जाए, तो पीछे से मैं आज आपको गाड़ी दिखाता हूँ। पीछे से जैसे जब हम पीछे वाला डोर खोलते हैं, तो पीछे वाला डोर खोलते ही जब हमने गाड़ी लॉक कर दी, यहाँ से मतलब इसे अनलॉक करता हूँ, पीछे से गाड़ी खोलते ही आपको वही ऑल ब्लैक यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में 1 लीटर की बोतल रखने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस दी गई है। और थोड़ा बहुत ना सिल्वर सा हमें कोट करा हुआ है इस चीज़ को, ये जो डोर अनलॉक करने वाला है, इसे यहाँ पे
सिल्वर में कोट करा गया, आपको पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर की अगर बात करिए तो फैब्रिक मिल रही है, सीट वो फैब्रिक वाली सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। जो इसके हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, ये आपको इंटीग्रेटेड डीसी में मिलेंगे। अगर आपको एडजस्टेबल चाहिए तो आपको शायद टॉप मॉडल में प्रोवाइड कराए जाते होंगे। अगर मैं बात करूँ इसके रूम साइज़ की, मतलब क्या साइज़ आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा, तो वो जो आगे वाली सीट थी ना वो मेरे हिसाब से सेट मैंने कर रखी थी, और अब मैंने पीछे बैठा हूँ तो पीछे स्पेस देखो, अच्छी खासी स्पेस, मैं बहुत खुल के बैठा हूँ। जो कहता ना पूरा स्पेस मैं अपना लेके बैठा हूँ, अच्छी खासी गाड़ी में स्पेस है। इतने देखो इतने दूर पे इतने मेरे पैर आ रहे हैं, तो मेरी हाइट मैं बताऊँ आपको 6 फीट पूरी है, तो इतनी दूर तक मेरे स्पेस में बचा है। अगर सर की बात करी जाए हेड की, तो हेड भी मेरा अच्छा खासा है, इतनी ऊँचाई तक तो खैर नहीं आ रहा मेरा, बहुत ही मतलब ज़्यादा कोई ऊँचा, आपको कितना भी ऊंचा 6 फीट का इंसान हो तो आराम से रब बैठेगा, उसका हेडरूम बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं पड़ने वाली पाली। अगर मैं बात करूं इसकी इंजन बे की, तो इंजन बे में अगर जब मैं बात करता हूं, एक बार मैं आपको इसका इंजन खोल के दिखाता हूं कि इंजन आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो उसको बोनट खोलने के लिए यहां से ये खोल दिया मैंने इसका बोनट। अगर इसका मैं बोनट को खोलता हूं, अगर मैं इसका हुड ओपन करता हूं जैसे, तो बोनट खोलते ही आपको कुछ ऐसा इंजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 1000 cc वाला K10 सीरीज़ का इंजन है, जो कि अच्छी खासी पावर देता है। अगर आपको वैगनर थोड़ी मोर पावरफुल चाहिए तो आप इसके जो K12 cc आती है, जो 1200 cc जो स्विफ्ट में आपको वाली स्विफ्ट जो खड़ी उसमें देखने को मिलता है, वही वाला इस इंजन सेम टू सेम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो वैगनर है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हो तो आप उस इंजन की तरफ जा सकते हो। अगर इंजन की बात करी जाए तो पूरा खुला खुला सा इंजन आपको देखने को मिलेगा, और कोई भी मतलब यहाँ पे पैडिंग वैडिंग नहीं दी, इससे थोड़ी बहुत आवाज़ आपके अंदर आ सकती है, वैसे आएगी नहीं, क्योंकि जो इंजन होता है ना वो अच्छे खासे साइलेंट इंजन है पेट्रोल के। तो बस यही थी वैगनर VXI, इसमें मतलब कुछ ज़्यादा आपको दिखाने लायक नहीं था, जो मैंने को दिखाना था वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। अगर बात करी जाए प्राइसिंग की, तो 5.5 की एक शोरूम देखने को मिलेगी, ऑन रोड आती आती आपको 7 के आसपास कुछ देखने को मिलती है ये गाड़ी। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो कि मतलब मैं बताऊँ किन लोगों के लिए गाड़ी बनी है, जो मतलब कोई ज़्यादा फीचर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो केवल कार लेना चाहते हैं। कई लोग होते हैं ना जो कार को मतलब कार नहीं समझते हैं और कार से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और जिस इंसान को फैमिली की कार चाहिए, कोई ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं है और बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए जो आपको एवरेज देती रहे, स्पेस अच्छी देखने को मिल जाए, सारे काम के आपको फीचर इसमें देखने को मिल जाए, तो आप वैगनर की VXI की तरफ जा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।